हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस बीटा मैथ्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है सभी का। देखो, वो जो अभी अपन रेलवे के प्रश्न कर रहे थे, उसमें से कुछ प्रश्न और बाकी हैं जो आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। तो कल जो मैंने आपको प्रश्न करवाए थे, उसमें से एक प्रश्न मैंने टंग स्लिप की वजह से गलत करवा दिया था, मतलब बोलना सही था पर गलत टिक करवाया था। तो यहाँ पे मैंने आपको अमोनियम आयन का बता दिया था, है ना। आज करेक्शन करते हैं इसमें। आपको यहाँ पे अमोनिया का पूछा है। अमोनियम आयन होता है NH4+, अमोनिया होता है NH3 होता है। तो अपन को NH3 का आणविक द्रव्यमान देखना है। तो NH3 का द्रव्यमान कितना होता है? 14। किसका होता है? नाइट्रोजन का, प्लस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एक होता है और तीन हाइड्रोजन है, तो यहाँ तीन, टोटल कितना हो जाएगा? 17। तो यहाँ पे अपना आंसर बी ना होकर आंसर ए सही होगा। अगर अमोनिया का पूछे तो क्या सही होगा? 17 होगा। और अगर अमोनियम आयन का पूछा जाएगा तो क्या सही होएगा? 18 सही होगा, क्योंकि अमोनिया NH3 होती है और अमोनियम आयन NH4+ होता है। तो ये एक कल अपना हो गया था गलत, तो अभी इसको करेक्ट करते हैं, कर लिया है। उससे आगे नेक्स्ट करते हैं। ये अपन का कल का लास्ट प्रश्न था, आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का पहला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, जिसको वॉशिंग सोडा या फिर धावन सोडा बोला जाता है। इसका जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक केमिकल फॉर्मूला जो होता है, वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। इसको किससे लिखते हैं? Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 10H2O। ये क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है। इसमें 10 जो H2O होते हैं वो क्या होते हैं? क्रिस्टलीय जल होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? देखो, Na3 गलत ऑप्शन, क्योंकि CO2 पे 2 माइनस होता है, Na2CO गलत, NaCO3 गलत होगा। और इसका सही आंसर क्या होगा? Na2CO3। तो इसके अकॉर्डिंग अपना क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन 4 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इसमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग करी जाती है? अगर कोई मधुमक्खी काट लेती है तो उस पर क्या हो जाती है? हल्की स्वेलिंग और जलन होने लग जाती है। तो उस जलन को रोकने के लिए अपन क्या लगाते हैं? तो जो मधुमक्खी होती है उसके उसमें कौन सा, उसके डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है, जिससे क्या होती है? हल्की जलन होने लग जाती है। तो उसमें अपन क्या लगाएंगे कि उसको क्या करेगा? उसको न्यूट्रल कर देगा और अपन को राहत मिलेगी। तो इसके लिए क्या मिलाया जाता है? इसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। साधारण नमक क्या होता है? NaCl होता है। और एसेटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH होता है। वॉशिंग सोडा जस्ट अभी मैंने पहले वाले प्रश्न में बताया था क्या होता है? Na2CO3 होता है। तो जो बेकिंग सोडा होता है इसे क्या कहते हैं? NaHCO3, जिसे मीठा सोडा या सोडियम बाई कार्बोनेट कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, कि लोहे में क्या मिलाया जाता है जिससे लोहा क्या हो जाता है, कठोर तथा मजबूत हो जाता है, और कार्बन की जो अशुद्धता, सॉरी कार्बन की वजह से लोहे में क्या होता है, लोहे के जो परमाणु होते हैं उनकी क्रिस्टल जालक में कार्बन चला जाता है और जिससे लोहे का विघटन नहीं होता है। तो इसके लिए उसको क्या, उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है, किसी भी चीज में अशुद्धि मिलाई जाती है जिससे वो क्या हो जाता है, कठोर या मजबूत हो जाता है। तो इसमें क्या है, जिंक है, कॉपर है, कार्बन और सोडियम, इनमें से क्या मिलाया जाता है। कॉपर, ये जो जिंक होता है इसकी क्या होती है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर एक परत चढ़ाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, गैल्वोनाइजेशन की कहा जाता है। कॉपर एक अदर जो धातु होती है, मेटल होती है, वो होती है। जो सोडियम होता है वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, तो इसको तो वैसे भी नहीं मिला सकते, तो इसमें क्या मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है। कार्बन इसके जो क्रिस्टल जालक है उसमें चले जाते हैं और उसको विघटित होने से बचा लेते हैं। तो अपना सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा, कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। अब देखो ये प्रश्न पीरियोडिक टेबल से पूछा गया है। इसमें प्रथम आंसर, सॉरी पहला ऑप्शन है, परमाणु आकार ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ता है, कि ये क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, ये क्या होते हैं, आवर्त होते हैं। तो इस वर्ग में ऊपर से अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आकार क्या होता है, बढ़ता है, और बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो आकार क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो इनमें से अपन को गलत कथन पूछा है। तो देखो परमाणु आकार ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, बढ़ता है। तो प्रथम जो ऑप्शन है ये अपना क्या है, राइट है, तो ये इनकरेक्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन अपना है कि एक ही समूह है कि सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है, कि जो संयोजी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाह्य कोष होते हैं, वैलेंस सेल होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन इलेक्ट्रॉन को इसको क्या कहा जाता है, संयोजकता कहा जाता है। तो क्या होता है, एक समूह है जैसे प्रथम वर्ग है, जैसे Na हाइड्रोजन प्लस Na प्लस होता है, लिथियम प्लस होता है, तो कैल्शियम प्लस होता है। तो प्रथम वर्ग में पाए जाने वाले सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है, प्लस वन संयोजकता होती है। तो ये ऑप्शन भी अपना एक करेक्ट है, तो ये ऑप्शन भी अपना सही होगा। फिर तीसरा ऑप्शन है, एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा गया है, ये कहीं ना कहीं इनकरेक्ट लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन है, परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं जाते हैं तो घटती है। अब देखो बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार क्या होता है, घटता है। अगर यहाँ पे किसी परमाणु का आकार इतना है तो यहाँ आते आते इतना हो जाएगा। अब बताओ परमाणु त्रिज्या इसकी इतनी है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। तो ये एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है, कि बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार घटता है, तो परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी, घटेगी। तो ये ऑप्शन भी अपना राइट है। अब देखो गलत कथन इनकरेक्ट पूछा है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि एक तत्व के सभी समस्थानिक को एक समूह में रखा जाता है। पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि इसने समस्थानिक को, आइसोटोप को पीरियोडिक टेबल में कोई भी स्थान नहीं दिया है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन वन, हाइड्रोजन वन टू, हाइड्रोजन वन थ्री, ये क्या होते हैं, इसके समस्थानिक होते हैं। इसमें हाइड्रोजन को ही रखा गया, इसके समस्थानिक को कहीं भी इसमें जगह नहीं दी गई है। इसमें हाइड्रोजन वन जो होता है उसको प्रोटियम कहते हैं, और हाइड्रोजन वन टू होता है उसको ड्यूटेरियम कहते हैं, और हाइड्रोजन वन थ्री होता है इसको ट्राइटियम कहते हैं। तो हाइड्रोजन वन थ्री होता है वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, और हाइड्रोजन वन टू होता है इसमें
क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या एक होती है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, एब्सेंट होती है, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, दो होती है। तो इसमें जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कहीं भी आइसोटोप को स्थान नहीं दिया गया है, ये सबसे बड़ी इसकी कमजोरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, धावन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, कि धावन सोडा में टोटल प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। पहले धावन सोडा का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है धावन सोडा, होता है Na2CO3 10H2O। तो ये धावन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा, तो ये 10H2 है, ये क्या है, क्रिस्टल, ये क्या है, क्रिस्टल वाटर है। अब इसकी कितनी प्रतिशत मात्रा इस जल में, सॉरी इस सोडा में होती है, तो ये अपन को निकालना है। तो अब देखो, इसकी पूरी प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए क्या करते हैं, जो 10H2O है, क्रिस्टल वाटर है, उसका परमाणविक द्रव्यमान लेते हैं और प्लस अपॉन पूरे का द्रव्यमान लेते हैं और इंटू क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, तो अपने पास पूरी प्रतिशत मात्रा आ जाएगी। अब देखो N2 का कितना होता है, एक का 23 होता है, तो दो का कितना हो गया, 46 हो गया, प्लस कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, ऑक्सीजन का एक का 16 होता है, और तो तीन का कितना हो गया, तीन ऑक्सीजन का हो गया है 48 हो गया है, प्लस 10H2O है, तो H2 का कितना हो गया, 20 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, 160 हो गया। इस पूरे को काउंट करेंगे तो क्या आएगा, 286 आएगा। अब ये तो अपन को पूरे का द्रव्यमान आ गया है, 286 पूरे का द्रव्यमान आ चुका है, फिर अपन को किसका लेना है, 10H2 को, H2O का निकालना है, तो इसका देखना है 10H2O का कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना हो गया 20, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 10, ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो 10 के कितने हो गए, 160 हो गए, तो क्या हो गया, 180 हो गया। अब इसको, इसकी अपन को क्या निकालनी है, प्रतिशत मात्रा निकालनी है, तो प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रिस्टल वाटर अपॉन जो वॉशिंग सोडा है उसका पूरे का द्रव्यमान इंटू 100 कर देंगे, तो कितना है, 180 अपॉन 286 इंटू 100। इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपके आंसर क्या आएंगे, 62.9%। इतना क्या है इसमें, जो क्रिस्टल वाटर है उसकी प्रतिशत मात्रा होती है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन 4 अपना इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, NaCl एक लवण है जो किससे बनता है, कि NaCl एक लवण होता है, उसका निर्माण किससे होता है। तो जो NaCl होता है उसका निर्माण होता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिलके किसका निर्माण करते हैं, साल्ट का निर्माण करते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो गया, HCl हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो गया, NaOH हो गया, मिलके किसका निर्माण करते हैं, NaCl का निर्माण प्लस जल का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है, नमक होता है, सोडियम क्लोराइड। तो इसके अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर क्या होगा, तीव्र अम्ल और मंद क्षार, गलत। सेकंड है, मंद अम्ल और मंद क्षार होगा, ये भी गलत होगा। वीक एसिड एंड वीक बेस होगा, ये भी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन है, तीव्र अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अपना आंसर क्या सही होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग ही क्या होगा, बेस होगा। फोर्थ ऑप्शन है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये आंसर भी अपना क्या होगा, गलत होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना सही आंसर क्या होता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से विषम की पहचान कीजिए, इनमें से जो तीन है वो सेम है, एक क्या है, अलग है, तो अलग इसमें से क्या है। अब एल्यूमिनियम क्या होती है, मेटल होती है, सिल्वर जो होती है वो भी क्या होती है, मेटल होती है, और जो
कॉपर है वो भी क्या है, मेटल है। तो जो कांच होता है, कांच ग्लास होता है, ग्लास क्या होता है, यह क्या होता है, एक इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है जो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो क्या किससे बना हुआ होता है, सिलिकेट धातुओं से मिलके बना हुआ होता है। तो ये क्या है, एक इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है जो सिलिकेट से मिलके बना हुआ होता है और क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ये कोई मेटल नहीं है। इनमें से तीन क्या है, मेटल है और एक क्या है, मेटल नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है। जो धातु होती हैं उनको पीरियोडिक टेबल में किस तरफ रखा गया है, लेफ्ट साइड रखा गया है। देखो वर्ग प्रथम और वर्ग सेकंड, इनमें किसको रखा गया है, धातुओं को रखा गया है। तो इनमें जो प्रथम होती है वो क्या, कौन सी होती है, क्षारीय धातु होती है, और जो सेकंड होती है, जो सेकंड वर्ग है उसमें कौन सी धातुएं होती हैं, क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। तो अपन को क्या पूछा है कि क्षारीय धातुओं को आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है। तो जो प्रथम क्षारीय धातुएं होती हैं उनको किस वर्ग में रखा गया है, प्रथम समूह में रखा गया है। और प्रथम और द्वितीय समूह किस में आते हैं, किस ब्लॉक में आते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। और जो सेकंड तो बता ही दिया मैंने, क्षारीय मृदा धातु होती हैं, ये क्या होती हैं, 18वां जो समूह होता है इसमें क्या होती है, इनर्ट गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस होती हैं, जो फुलफिल्ड, इनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं, इनमें ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं। और इसमें जो 18वें वर्ग में पाए जाने वाले तत्व किस रूप में पाए जाते हैं, गैस के रूप में पाए जाते हैं। थर्ड समूह है, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अपन को तीन कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन सही है ये अपन को बताना है। तो देखो इसमें प्रथम दिया गया, प्रथम कथन है, दूसरे समूह के तत्वों को एल्कली धातुएं कहा जाता है। देखते हैं सही है कि गलत है। दूसरा देखते हैं, दूसरा कथन है, पहले समूह के तत्वों को क्षारीय धातुएं कहा जाता है। जस्ट अभी मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था कि प्रथम समूह के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है, तो ये कथन सही है। थर्ड है, 17वें समूह के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। देखो फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये तत्व कैसे होते हैं, हेलोजन तत्व है, तो इनको क्या कहा जाता है, ये किस वर्ग में आते हैं, 17वें वर्ग में आते हैं, इनको क्या कहा जाता है, हेलोजन। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, सही कथन पूछा है। तो इसके अकॉर्डिंग पहले ऑप्शन देखते हैं, ये वाला ओनली सी, ये कट जाएगा, बी और सी, ओनली ए कट जाएगा, ए और सी, ए तो पहले से ही गलत है तो ये कट गया। अगर अपन को अल्कली धातुएं नहीं पता, ये दो ऑप्शन अपन निकाल रहे हैं, तो प्रथम ऑप्शन सीधा ही निकल रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन इसको निकाल सकते हैं। बट जो अल्कली धातुएं होती हैं ना, वो किसको, दूसरे समूह को ना कहके किसको कहा जाता है, फर्स्ट ग्रुप को कहा जाता है। प्रथम वर्ग के तत्वों को अल्कली धातुएं या क्षारीय धातुएं कहा जाता है, तो अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हैं। और वैसे प्रथम वर्ग को ही क्या कहा जाता है, अल्कली धातुएं कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन आघात वेदनीय नहीं है। आघात वेदनीय का मतलब ये होता है कि किसी चीज को कंप्रेस करके उसमें कंप्रेसिबिलिटी का गुण पाया जाता है, प्रॉपर्टी उसमें होती है कि उसके थ्रू अपन उस चीज को क्या करते हैं, जो कंप्रेस करके और पतले अधिक लंबाई में उसकी वृद्धि करी जा सकती है, तो वो क्या होती है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो आघात वर्धनीय का मतलब ये होता है, तो इसमें आघात वर्धनीय नहीं है ये पूछा गया है। तो एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी और ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का अपर रूप होता है, तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होता है, ये आघात वर्धनीय नहीं होता है। तो अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूलैंड की तालिका में
हेलोजन के साथ किन तत्वों को रखा गया था? जो न्यूलैंड ने अपना नियम दिया था वो दिया था ऑक्टेट रूल, उसमें क्या बताया था, प्रथम तत्व और आठवां जो तत्व है उन सभी के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसलिए इसने क्या करा था, सिर्फ 50 पीरियोडिक टेबल में 56 तक जो तत्व होते हैं सिर्फ उन्हीं तत्व के बारे में इसने ये रूल बताया था। अंतिम तत्व कौन सा था, गैलियम तत्व था। तो इसने क्या करा, इसने किस तत्व को हेलोजन जो 17वां वर्ग है वहां पे रख दिया था, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं कौन से, कॉपर और निकल जो है, सॉरी कोबाल्ट और निकल, जो कोबाल्ट कितने पे पाया जाता है 27 पे, निकल कितने पे है 28 पे, इन ये क्या होते हैं, इनके परमाणु क्रमांक होते हैं। तो कॉपर और निकल को कहाँ पे रख दिया था, हेलोजन ग्रुप में रख दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर 4 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबल गैस को रखा गया है? 18 वर्ग होते हैं, ग्रुप होते हैं, तो इस ग्रुप में किस वर्ग में नोबल गैसेस को रखा गया है? तो अंतिम जो वर्ग होता है 18वां वर्ग होता है क्या, हीलियम, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन। ये तत्व क्या होते हैं, ये अपने एलिमेंटल स्टेज में नहीं पाए जाते, ये किसके रूप में पाए जाते हैं, गैस के रूप में पाए जाते हैं। ये सभी जो 6 तत्व हैं ये सारे के सारे किसके रूप में पाए जाते हैं, गैस के रूप में पाए जाते हैं। तो इनमें ये क्या होता है, कोई रिएक्शन नहीं देती है, ना तो इलेक्ट्रॉन लेती हैं और ना इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इनकी अभिक्रियाशीलता नहीं होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, फुलफिल होते हैं। तो इन गैस को क्या कहा जाता है, इनर्ट गैस कहा जाता है और नोबल गैस कहा जाता है। तो नोबल गैस को किस में रखा गया, 18वें वर्ग में रखा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना सेकंड आंसर सही होगा। फिर है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें कि कली चुना, जो कली होती है सफेद कलर की जो कली होती है ना, उसको कली जिसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। काली चूना बनाने के लिए पानी के साथ क्या मिलाया जाता है, तो जो कली चूना होता है उसका सूत्र क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बिना भुजा चूना भी बोलते हैं, या अभुजा चूना इसको बोला जाता है। तो ये बनाने के लिए कली चूना का सूत्र क्या होता है, क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम का सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। बनाने के लिए किसके साथ क्या मिलाया जाता है, तो चूना पत्थर होता है ना, CaCO3 के साथ क्या मिलाया जाता है, H2O मिलाया जाता है, और इससे क्या निर्माण होता है, CaO का फॉर्मेशन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर सही होगा, चूना पत्थर, जिसको क्या बोलते हैं, CaCO3। जो स्लेक चूना होता है इसका सूत्र क्या होता है, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो क्या होता है, स्लेक चूना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है कि जो चेंजेस होते हैं, केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन, तो इसमें से किस प्रकार की, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से केमिकल चेंजेस होते हैं। तो इनमें देखो, बर्फ का पिघलना, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं, तो वो हमेशा गैस का द्रव में, द्रव का गैस में, ठोस का लिक्विड में, तो इनका ऐसे इंटरचेंज होना किसका एग्जांपल होता है, फिजिकल चेंजेस का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग बर्फ पिघल रही है मतलब ठोस से द्रव में आ रही है, तो ये आंसर अपना गलत हो जाएगा। सेकंड है, आयोडीन क्रिस्टलों का ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन की क्रिया होना, सब्लिमेशन क्या होता है, ठोस का सीधा गैस में बदल जाना, तो ये भी क्या है, एक अवस्था परिवर्तन है, तो ये भी अपना गलत आंसर होगा। तीसरा है, गीले कपड़ों का सूखना, कोई नया पदार्थ नहीं, उसमें पानी है, वो मतलब पहले लिक्विड में था और फिर क्या होगा, गैस बन के उड़ जाएगा, तो ये आंसर भी अपना क्या होगा, गलत होगा। तो लास्ट ऑप्शन है अपना, मक्खन का खट्टा होना,
तो ये ऑप्शन अपना क्या होता है, सही होता है कि एक बार मक्खन खट्टा होने के बाद में सही वापस नहीं होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर 4 सही होगा। जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें हमेशा नया पदार्थ बनता है, और जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें कभी भी नया पदार्थ नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपरमाण्विक है, कि बहुपरमाण्विक है तो आर्गन हमेशा AR के रूप में पाया जाता है, ऑक्सीजन O2 के रूप में पाया जाता है, सोडियम हमेशा Na के रूप में पाया जाता है, और अपन को बहुपरमाण्विक पूछा है। ये क्या है, द्विपरमाण्विक होता है ना, और ऑर्गन की कोई परमाणुकता नहीं होती है। सोडियम जो होता है वो एक परमाण्विक रूप में होता है, और जो सल्फर होता है वो किस रूप में पाया जाता है, SO8 के रूप में पाया जाता है। यहाँ पे सल्फर के 8 परमाणु पाए जाते हैं, तो ये किसके रूप में पाया जाता है, बहुपरमाण्विक रूप में, पॉलीएटमिक के रूप में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए अपना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सही या गलत कौन सा ऑप्शन है, तो देखो प्रथम कथन है कि पवन के बहने के लिए पृथ्वी का चक्रण जिम्मेदार होता है, कि पृथ्वी घूम रही है तो उससे क्या होती है, चलने वाली हवाएं होती हैं वो क्या होती हैं, प्रभावित होती है, तो उसमें क्या होता है, कोरियोलिस एक इफेक्ट लगती है, उस इफेक्ट की वजह से लगता है, उस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, हवाएं प्रभावित होती हैं और जिस तरफ बह रही हैं उससे अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं। तो ये अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर, वो कथन सही होगा कि पवन के बहने के लिए पृथ्वी का चक्रण क्या होता है, जिम्मेदार होता है, और किस रूप में होता है, कोरियोलिस जो इफेक्ट होता है उसकी वजह से होता है। सेकंड अपना कथन है, एक ईंधन को पर्यावरण के अनुकूल माना जाएगा यदि इसके दहन के उत्पाद गैर विषैले होते हैं, मतलब कि प्रदूषक नहीं होते हैं, विषैले नहीं होते हैं। इट मीन्स कि जो किसी भी ईंधन का दहन कर रहे हैं, कोई भी दहन प्रक्रिया हो रही है, तो उससे बनने वाले निकलने वाले प्रोडक्ट से वातावरण को कोई भी एटमॉस्फेयर को कोई भी इफेक्ट ना पड़े। जैसे कि कोई भी गैस होती है वो निकलती है तो उससे क्या होता है, जो वायु प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन होता है वो ना हो, तो उस तरीके से अगर किसी का दहन कर रहे हैं तो अगर एयर पोल्यूशन नहीं होता है तो वो क्या होता है, अपने पर्यावरण के अनुकूल माना जाएगा। ये भी क्या है, सत्य कथन है। फिर तीसरा कथन है, कोयला O2H2 और आधा मुक्त कार्बन के यौगिकों का जटिल मिश्रण होता है, कि ये क्या होता है, जटिल मिश्रण होता है। तो ये देखो, जो ये होता है जो कोयला होता है वो किससे मिलके बना हुआ होता है, हाइड्रोजन, मेथेन, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलके बना हुआ होता है। इसमें कितनी परसेंट है, फिर जो 50% होती है वो तो क्या होती है, हाइड्रोजन होती है, और जो 25% या 35% के आसपास क्या होती है, इसमें मेथेन पाई जाती है। तो ये क्या है, एक गैसीय मिश्रण होता है। तो कोयला H2O2 किससे बना, CH4H2CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और कुछ मात्रा में इसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी होते हैं। तो ये एक जटिल मिश्रण ना होकर के क्या होता है, एक गैसीय मिश्रण होता है। यहाँ पे सिर्फ O2 और H2 बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ क्या पाई जाती है, मीथेन भी पाई जाती है, हाइड्रोजन भी पाई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाई जाती है, और कुछ मात्रा में इसमें, कुछ क्वांटिटी इसमें नाइट्रोजन और सल्फर की भी पाई जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर अपना कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो अपन को कौन से कथन सत्य और कौन से सही है, तो ए और बी कथन है वो अपना सही है, सी वाला कथन क्या है, गलत है। तो केवल कथन ए सही है, बी और सी गलत है, नहीं बी अपना सही है, सेकंड है सभी गलत हैं, जी नहीं ऐसा नहीं है, केवल कथन बी सही है, कथन ए और सी गलत हैं, ये भी गलत है क्योंकि ए अपना सही है। कथन ए और बी सही है, कथन सी क्या है, गलत है, इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों का एक ही सामान्य फॉर्मूला द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, इनमें से गलत सूत्र कौन सा होता है। जो एल्केन होती है उसका सूत्र क्या होता है, CnS2
एन प्लस टू होता है, एल्कीन होता है सी एन एच टू एन होता है, और जो एल्काइन होती है सी एन एस टू एन माइनस टू होता है। तो इसमें देख लो एल्केन सी एन एस टू एन प्लस टू सही है, एल्कीन सी एन एस टू एन प्लस वन गलत है, एल्काइन सी एन एस टू एन माइनस टू इज द सही है। तो इसमें देखो कौन निम्न में से गलत सूत्र चुने, तो प्रथम ऑप्शन में एल्केन सही है, एल्काइन भी सही है, सेकंड में एल्कीन क्या है गलत है, थर्ड में एल्केन सही है, एल्काइन भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग एल्कीन का क्या होगा सी एन एस टू एन होगा, प्लस थ्री नहीं होगा, तो ऑप्शन बी अब इज द करेक्ट आंसर। फिर है विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है, कि विरंजक जल में क्या मिलाए जाते हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है सी ए ओ सी एल टू, इसको किस में मिलाया जाता है एस टू ओ में मिलाया जाता है, तो क्या बनता है सी ए ओ एस टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं स्लेक चूना भी कहा जाता है, और कौन सी गैस निकलती है सी एल टू गैस निकलती है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर ऑप्शन सी इज द सॉरी बी इज द करेक्ट आंसर। फिर है एजी प्लस ऑप्शन प्रश्न है एजी प्लस और सी एल माइनस के संयुक्त होने पर कौन सा यौगिक बनता है, तो ये किस रूप में एजी प्लस के रूप में और सी एल माइनस के रूप में, तो ये मतलब इसके नीचे और ये इसके नीचे यहाँ पे एक एक है, तो क्या बन जाएगा एजी सी एल बन जाएगा, क्या होता है सिल्वर क्लोराइड। इसके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा सिल्वर क्लोराइड क्या होता है एजी सी एल होता है। ठीक है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है गलत है, तो प्रथम ऑप्शन है नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो नींबू में हमेशा कौन सा एसिड पाया जाता है सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ये सही है। सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, ये गलत है, किसके कारण से होती है OH- आयनों के कारण से होती है। तीसरा ऑप्शन है गैर मेटलिक ऑक्साइड प्रकृति एसिडिक होते हैं, ये सही है। फिर फिनोप्थलीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, ये भी सही है, ये क्या होता है एक इंडिकेटर होता है जो साबुन के घोल में कैसा रंग देता है पिंक कलर देता है, तो ये क्या होता है सोडियम आयन नहीं होते हैं OH आयन होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी है। फिर है पित्तल निम्न में से किससे बनी हुई मिश्र धातु होती है, जो एलोय धातुएं होती हैं सॉरी एलोय होते हैं जो धातुएं मिलके किसका निर्माण करती हैं एलोय का निर्माण करती हैं, जैसे कॉपर प्लस SN, ये क्या है Cu प्लस ZN, तो Cu प्लस ZN मिलके किसका निर्माण करते हैं पित्तल का निर्माण करते हैं, ऑप्शन ए इज द सॉरी बी करेक्ट होता है। Cu प्लस SN ये क्या बनाती है ब्रोंज या जिसको कांसा बोलते हैं, वो कौन सी दो धातुएं मिलके बनाते हैं तांबा प्लस टिन मिलके किसका निर्माण करती हैं ब्रोंज का निर्माण करते हैं, और कॉपर प्लस जिंक मिलके किसका निर्माण करते हैं पित्तल का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा होता है, तो अब देखो इनमें से पीरियोडिक टेबल में देखो इनकी कहाँ कहाँ व्यवस्था है, अब देखो जो थर्ड आवर्त होता है उसमें ये चार तत्व अपन को दिए गए हैं, इनमें से बड़ा कौन सा है, अब देखो वर्ग में सॉरी आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार क्या होता है घटता है, और दाएं से बाएं जाते हैं तो आकार क्या होता है बढ़ता है, तो अब देखो एल्यूमिनियम से सल्फर की तरफ आएंगे तो आकार क्या होगा कम होगा, और इधर से इधर जाएंगे तो आकार क्या होगा बढ़ेगा, तो इनमें से सबसे बड़ा आकार किसका है एल्यूमिनियम का, उसके बाद सिलिकन का, उसके बाद फॉस्फोरस का, उसके बाद किसका है सल्फर का आकार होता है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर बी सही होगा ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होता है, जो संक्रमण तत्व होते हैं उनका क्या सूत्र होता है एन माइनस वन डी वन टू टेन एन एस वन से टू, ये क्या होता है संक्रमण तत्वों का सूत्र होता है इलेक्ट्रॉन भरने का, तो इसमें क्या होते हैं दो कक्षक क्या होते हैं कोष क्या होते हैं अपूर्ण होते हैं, तो इसके बाह्यतम कोष में कोषों में से दो क्या होते हैं अपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु
संख्या क्या होगी? अपन को दिया गया है द्रव्यमान संख्या, कितनी है 298 है। न्यूट्रॉन कितने हैं? 196 है। तो अपना सूत्र क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या है, द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या अपन को कितनी दी गई है, 298 दी गई है, न्यूट्रॉन अपन को 196 दिए गए हैं, प्रोटॉन अपन को निकालने हैं, प्रोटॉन बराबर 298 माइनस 196, कितने बच गए, 102.0। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 102। 102 नंबर तत्व वाला, 102 नंबर परमाणु क्रमांक वाले तत्व में न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 196 होते हैं। अगला प्रश्न है, कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम पे क्या होता है, प्लस टू होता है, पीओ फोर पे क्या होता है, 3 माइनस होता है। तो ठीक है, अब देखो सी ए प्लस टू पी ओ फोर 3 माइनस, तो ये इसकी टांग में आ जाएगा, ये इसकी टांग में आ जाएगा, तो क्या बनेगा, सी ए टू पी ओ फोर की 3 और 2। तो कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है, सी ए थ्री पी ओ फोर की होल स्क्वायर होल ट्वाइस। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे के दो कॉलम के घटकों का आपस में मिलान करके दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करें। तो देखो अपन को मैचिंग वाला प्रश्न है। अब देखो प्रथम पढ़ते हैं, तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं, निश्चित स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। तो प्रथम का क्या हो गया, 3 हो गया ऑप्शन। देखो प्रथम का क्या हो गया, 3 हो गया, तो मतलब ऑप्शन सी कट गया। सेकंड है, परमाणु विखंडित नहीं हो सकते, परमाणु क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं, ये किसने बताया था, डोल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो सेकंड का फर्स्ट हो गया, तो सेकंड का फर्स्ट, ये लो सीधा ही प्रश्न निकल गया, दो जानने की जरूरत नहीं है, सेकंड में सेकंड है, सेकंड में फोर्थ है। फिर देखते हैं सल्फेट और ऑक्सोलेट, सल्फेट क्या होते हैं, SO4 2- होते हैं, ऑक्सोलेट क्या होते हैं, C2O4 2- होते हैं। ये ऑक्सोलेट का सूत्र सल्फेट का होता है, ये क्या होते हैं, ऋण आयन होते हैं, और जबकि मैग्नीशियम क्या है, Mg+2, अमोनियम क्या होता है, NH4+ होता है, आयन क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो इसमें क्या होता है, फोर्थ ऑप्शन, तो सी में फोर्थ ऑप्शन। फिर है, किसी तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान और किसी यौगिक के ग्राम अणु द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, तो फोर्थ का क्या हो गया, सेकंड हो गया। इसके अकॉर्डिंग अपना बी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है? जो बायोगैस होती है वो क्या होती है, जो गोबर वगैरह से बनाई जाती है वो क्या होती है, बायोगैस होती है। तो इसमें क्या होता है, मीथेन पाई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 और H2S। तो इसमें कौन सी गैस नहीं होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं होती है, बाकी जो CO2 मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड सभी गैसेस होती हैं। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व है? रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या होगा, थोरियम होगा, थोरियम जो तत्व कौन सा है, रिपीटेड होता है। अगला है, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? जो मीथेन होती है ना बायोगैस में, वो होती है 75%, जो CO2 होती है वो होती है 25%। तो मीथेन का प्रतिशत कितना होता है, 75% होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। तो अब चार ऑप्शन में एक ऑप्शन क्या है, गलत है। तो प्रथम है, सभी खनिज अम्ल प्रबल होते हैं, प्रबल इसलिए होते हैं कि ये जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं, तो ये कथन क्या है, सही है। सेकेंड है, HCl H2SO4 और
HNO3 क्या होते हैं? स्ट्रोंग एसिड हैं, ये भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है प्रबल अम्ल अन्य पदार्थ जैसे धातु कार्बोनेट, जैसे धातु कार्बोनेट क्या हो गया? Na2CO3 हो गया। हाइड्रोजन धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3 होता है। तो बहुत तेजी से अभिक्रिया कर लेते हैं, तो ये भी अपना क्या हो गया? सही हो गया। फिर अपन को गलत कथन पूछा है, तो अम्ल वह रासायनिक पदार्थ हैं जो क्या होते हैं? नमकीन। ये नमकीन नहीं होते, ये क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। तो गलत आंसर पूछा है अपन को, क्या होगा? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तत्व है ए फॉर्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तत्व ए की संयोजकता क्या होती है? अब देखो एक फॉर्मूला दिया गया अपन को A3O4, इसके संयोजकता पूछी है, तो इसके संयोजकता के लिए इसके O की टांग में जो लगा हुआ है वो A के ऊपर ले जाओ, A के टांग में जो लगा हुआ है वो O के ऊपर ले जाओ, तो इसका क्या होगा? A4+ और O3- होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देख लो कि ए तत्व की संयोजकता पूछी है, तो ए के ऊपर कितने हैं? 4+, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन के अधिकतम संख्या को किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये क्या है? नाभिक है, नाभिक के बाहर की तरफ ये सेल पाई जाती हैं, KLMN और N, इनमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो किस सूत्र से निकालते हैं? 2N की स्क्वायर के माध्यम से निकालते हैं, कि K में कितने होंगे, L में कितने, M में कितने और N में कितने, तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र IUPAC नाम दिया गया और सामान्य नाम दिया गया, इनमें से कौन सा कथन गलत है? जहाँ C2H5OH, ये क्या होती है? एथेनॉल, और इसका जो सामान्य नाम होता है वो क्या होता है, सॉरी, इसका जो IUPAC नाम होता है वो होता है एथेनॉल, और जो सामान्य नाम होता है वो क्या होता है? इथाइल एल्कोहल। ये क्या है? C4, मतलब 4 कार्बन है, तो क्या होगा? ब्यूटेनॉल और ब्यूटाइल एल्कोहल, ये भी सही है। थर्ड है C3H7OH, मतलब 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल प्रोपाइल एल्कोहल। फोर्थ है C2H3OH, मतलब 2 कार्बन है तो क्या होना चाहिए? एथ होना चाहिए, ना कि मेथ होना चाहिए। मेथ के लिए क्या होता है? CH3OH होता है। ये क्या होती है? मेथेनॉल होती है, मिथाइल एल्कोहल। ये सही है, ये सही है, बट ये है ना इसका फॉर्मूला है वो क्या है? इसका गलत आंसर है, सॉरी गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा? CH3OH होगा, ना कि C2H3OH होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? जो हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के अतिरिक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इनके हाइड्राइड्स कहलाते हैं, एनोक्सी अम्ल कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटोन और 22 न्यूट्रॉन है, इनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या। प्रोटोन कितने दे रखे हैं? 15, प्लस न्यूट्रॉन कितने दे रखे हैं? 22, बराबर द्रव्यमान संख्या निकालनी है, कितने हो गए? 37, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो गई? 37 इसकी द्रव्यमान संख्या हो गई। प्रोटॉन 15 है, मतलब परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व की बात हो रही है, कौन सा होता है? फॉस्फोरस होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन एक त्रुटिपूर्ण होता है? कि इसमें 4 जो दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, उनमें से सही कौन सा है, उसमें गलत पूछा है। तो देखो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो क्या होता है? CaOCl2। ये क्या है? फीका पीला पाउडर है, ये पीला नहीं सफ़ेद होता है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा है सूखा NH3 गैस लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। जो ड्राई NH3 होती है वो कोई रिएक्शन नहीं करती है, तो परिवर्तित होता ही नहीं है, ना नीले को लाल में करती है और ना लाल को नीले में करती है, तो ना ये एसिडिक ना और बेसिक किसी भी के नेचर को नहीं दिखाती है, तो ये भी गलत आंसर हो गया। वर्षा जल का pH मान 7 के करीब होता है, वर्षा जल का pH मान 7 के करीब नहीं, 5.6 के करीब होता है, तो ये भी अपना गलत हो गया। फोर्थ है अम्ल वर्षा का pH 5.6 के करीब होता है, मतलब 5.6 या 5.6 से कम होता है।
5.6 से कम होता है। तो सिर्फ एक चार नंबर कथन है वो सत्य कथन है, बाकी तीन कथन क्या है, असत्य है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर देख लो, प्रथम द्वितीय और फोर्थ ये गलत हो जाएगा, सेकंड है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या है त्रुटिपूर्ण है, तो ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो इनके हाइड्रेट्स आयरन ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पे क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहा जाता है, तो देखो कोई भी लोहे की परत है उस पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। जंग का सूत्र क्या होता है, Fe2O3। जंग के सूत्र में क्या होता है, Fe हमेशा प्लस 3, Fe प्लस 2 में और Fe प्लस 3 में पाया जाता है। तो Fe हमेशा किस में पाया जाता है, Fe3 प्लस में पाया जाता है। तो लाल भूरे रंग की जो परत होती है वो क्या होती है, जंग होती है, जिसको कोरेशन कहते हैं, रस्ट। ऑप्शन 4 सही होगा। फोर्थ है, एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्न में से क्या समान होगा, मतलब जो आवर्त होते हैं उनमें क्या समान होते हैं, सेलों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, हेलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा होता है, तो उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन का जो आकार होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। इसका आकार बड़ा होने पर ये क्या कर लेता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है, किसी भी विलगित गैसीय निकाय के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर जो एनर्जी निकलती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं, आकार बड़ा होता है, जिससे इजीली इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ जाएगा। तो इससे इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है, अगर कोई देखो ऐसे कोई Mg+O क्या बना, MgO, ठीक है, MgO2। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये समीकरण क्या कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होता है वो क्या होते हैं, बैलेंस नहीं होते हैं, इनकी समान मात्रा नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार के असंतुलित समीकरण को क्या कहा जाता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। कि यहाँ पे तो कितने ऑक्सीजन है, 2, और यहाँ पे क्या है, 1, इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। और इसको संतुलित समीकरण कहने के लिए क्या करेंगे, Mg+O2 = MgO। ठीक है, तो इसको यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2, और Mg भी कितने हो गए, 2। ये क्या कहलाती है, एक बैलेंस इक्वेशन कहलाती है। तो इसका अकॉर्डिंग अपना आंसर ए सही होगा, परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, फिल इन द बैलेंस की ब्लैंक्स की अधिक मान का सेवन किया जाता है तो मेटाबोलिक जो प्रोसेस होती हैं वो धीमी हो जाती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, अवनति होने लग जाती है, मतलब सही से वर्क नहीं कर पाता है। तो इसमें प्रोपेनॉल, एथेनॉल, मेथेनॉल और ब्यूटेनॉल, तो ये तो आंसर पहले ही कट हो जाते हैं। क्या बचा, एल्कोहल CH3OH और CH3CH2OH, ये बचा, इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं, जो लोग शराब के रूप में इसका सेवन करते हैं। तो जो अल्कोहल एथेनॉल होती है वो सेहत के लिए इतना हानिकारक नहीं होती है, परंतु जो मेथेनॉल होती है, ये मेथेनॉल क्या करती है, शरीर में अगर कोई व्यक्ति मेथेनॉल पीता है तो उसके लीवर में जाके ये जो मेथेनॉल होती है वो किस में, फॉर्मेल्डिहाइड में चेंज हो जाती है। फॉर्मेल्डिहाइड में, और ये फॉर्मेल्डिहाइड लास्ट में फॉर्मिक एसिड में चेंज हो जाता है, HCOOH।
में चेंज हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है और एक व्यक्ति का लीवर खराब हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, लीवर सिरोसिस। ऐसे सुना होगा अगर कोई व्यक्ति शराब पी लेता है, मेथेनॉल का सेवन करता है, तो वो कभी कभी ज़्यादा सेवन करने पे अगर पी के सोता है तो वो सोया हुआ ही रह जाता है, उसकी मौत हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, जो मेथेनॉल होती है पहले फॉर्मेल्डिहाइड में, देन उसके बाद किस में चेंज हो जाती है, फॉर्मिक एसिड में चेंज हो जाती है, फॉर्मिक एसिड, जिससे क्या हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर अपना कार्य करना बंद कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे के दो कॉलम दिए गए, इनमें से क्या करना है, मैच करना है। देखो प्रथम देखो, कैल्शियम और ऑक्सीजन CaO, ये किसके किस रूप में पाए जाते हैं, किसके तत्व होते हैं, तो एन बुझे चुनने का सूत्र क्या होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो प्रथम के कैल्शियम और ऑक्साइड किसके तत्व होते हैं, एन बुझे चुनने के कैल्शियम ऑक्साइड के होते हैं, तो प्रथम में क्या, सेकंड होगा, तो इसके अकॉर्डिंग देखो प्रथम में सेकंड होगा तो फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन पहले ही कट गया। फिर है कैल्शियम फोस्फाइड, ये किसका सूत्र होता है, केमिकल फॉर्मूला ऑप्शन कैल्शियम फोस्फाइड का, तो दो का एक, तो दो का एक ये ऑप्शन कट गया। देन फिर है 0.1 मोल क्या होते हैं, तो 2.3 ग्राम। फिर ये देखो, एक परमाणु का अणु के 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान में परमाणु व अणुओं की निश्चित मात्रा क्या होती है, अवोगाद्रो नंबर होते हैं, 6.200×10⁻²³ होते हैं, ये क्या होते हैं, इसके अवोगाद्रो नंबर होते हैं। तो फोर्थ का क्या हो गया, थर्ड हो गया, तो फोर्थ का थर्ड, ये ऑप्शन पहले ही कट कर चुके हैं, फोर्थ का थर्ड, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। 0.1 मोल क्या होते हैं, 2.3 ग्राम सोडियम में मौजूद होते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, कि कौन सी ऐसी धातु है जो वायुमंडल में मुक्त रूप में पाई जाती है, तो कौन सी धातु, जो पोटेशियम और सोडियम जो होते हैं इनको तो वैसे ही केरोसिन तेल में रखा जाता है, कैल्शियम होते हैं वो भी मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, कौन सी होती है, गोल्ड होती है, जो वायुमंडल की ऑक्सीजन से इतना जल्दी क्रिया नहीं करती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखो H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर तथा अन्य यौगिकों को हटाने के लिए करा जाता है, ये बात सही है, ये प्रश्न रिपीटेड है, कल वाले वीडियो में अपन ने करा था। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण होती है, हाइड्रोजन आयन की नहीं होती है, OH- आयन के कारण होती है, तो अब देखो कौन सा स्टेटमेंट गलत है और कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल कथन बी सही है, नहीं बी गलत है, दोनों कथन गलत, जी नहीं, दोनों सही है, नहीं, केवल कथन ए सही है और बी कथन क्या है, गलत है, तो ऑप्शन फोर्थ सही होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं नॉन सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड होते हैं वो कौन से होते हैं, एल्केन होते हैं, और ये क्या होते हैं, एल्कीन और एल काइन जो होते हैं वो क्या, कौन से होते हैं, नॉन सैचुरेटेड होते हैं, तो यहाँ देखो एल्केन कौन सा है, सीधा ही दिया हुआ है, एल्केन क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही तथा कौन सा कथन क्या है, गलत है, तो यहाँ पे इनके जो नाम दिए गए हैं अंग्रेजी वर्णमाला में भी दिए जाते हैं, लैटिन भाषा में भी दिए जाते हैं और ग्रीक भाषा में भी दिए जाते हैं, तो सोडियम का जो लैटिन नाम होता है वो क्या होता है, नेट्रियम होता है, चांदी का लैटिन नाम क्या होता है, अर्जेंटिनम होता है, और जो सोना होता है उसका क्या होता है, ओरम होता है, पोटेशियम का क्या होता है, केलियम होता है, तो ये दोनों कथन क्या है, गलत है, रिपीटेड, सॉरी सही है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो दोनों कथन ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, नीचे के विकल्प में तत्वों को किसी खास लक्षण और उसके आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विभिन्नता को निम्न रूप में दर्शाया गया है, तो बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता और धात्विक गुण बढ़ता है, नहीं धात्विक गुण हमेशा घटता है, अधातु पाई जाती है, दाईं तरफ हमेशा विद्युत धनात्मकता और धात्विक गुण, विद्युत धनात्मकता क्या होती है, घटती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता हमेशा बढ़ती है, तो ये चीज सही है। दूसरा, धात्विक लक्षण क्या होते हैं,
घटते हैं। हाँ ये चीज भी सही है, धात्विक लक्षण हमेशा घटते हैं, अधात्विक लक्षण हमेशा बढ़ते हैं। तो यही अपना आंसर निकल गया, ऑप्शन बी सही है। तो विद्युत धनात्मकता और धात्विक लक्षण हमेशा क्या होते हैं, बाएं से दाएं जाने पर कम होते हैं। फिर है आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह होते हैं और कितने आवर्त होते हैं। तो समूह कितने होते हैं, 18 होते हैं, आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं। प्रथम फर्स्ट ऑप्शन ही अपना सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कथन सही या गलत है। देखो H2S हवा में जलता है तो क्या बनाता है, H2O और SO2 बनाता है, तो ये क्या है, सही है। H2S को हवा में जलाते हैं तो क्या बनाता है, H2O प्लस SO2 बनाता है, सही है। नेक्स्ट कथन है, ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट FeSO4 का अपघटन करा जाता है तो क्या बनता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनता है, तो ये भी कथन क्या है, सही है। तो दोनों कथन देख लो, दोनों सही है तो ये गलत है, एक सही है बी गलत, ये भी गलत, कथन बी सही है भी गलत, दोनों कथन क्या है, सही है। आज का ये प्रश्न अपना अंतिम प्रश्न था। ये जो केमिस्ट्री के मैंने जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिए हैं, और आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू बच्चों।